तो आज पहली बार मैं इस गांव में आया हूं और काफ़ी खूबसूरत गांव है और यहां पे एक स्कूल भी है, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल यारवन पहली पोरा बोनियार। तो इनको जगह छोड़ते हैं पहले, फिर निकलते हैं हम ऊपर की तरफ जहां तक रोड जाती है ना, वहां तक हम आज जाने वाले हैं। क्या हाल चाल है, ठीक हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ मरने? मक्की भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, यहाँ की ज़मीन ना काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फर्टाइल है, इसीलिए मक्की बाकी एरियाओं से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। घर काफ़ी ऊपर तक है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतने ऊपर ऊपर भी घर हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी खूबसूरत एरिया, ओपन एरिया हमें देखने को मिला। और वहाँ पे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे है वीजी का पहाड़, ये वाला, इसके पीछे वीजी है। वाओ, अपनी लोकेलिटी में ऐसा एरिया हमें देखने को मिलेगा, मुझे नहीं पता था, काफ़ी खूबसूरत है। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ से रास्ता है, मे भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले जब गांव के बीच हम एंटर करेंगे। और ये खूबसूरत खूबसूरत रास्ते, जिन रास्तों से चलते चलते आपको मुर्गियाँ वगैरह बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये अखरोट के पेड़ जो कश्मीर की शान में चार चांद लगाते हुए, बंदर भी हैं, ये हो रहा, वो भाग गया, छोटे छोटे हैं। कुछ बच्चों ने ये भी बना के रखा है, पिच बना के रखी है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट वगैरह कोई गेम्स जो भी होती होंगी ना, वो यहाँ पे खेलते होंगे। अपने तो यारवन गांव में हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ से हमें वीजी का वो पहाड़ भी नज़र आ रहा है, वहाँ पे वो वीजी का पहाड़ है। तो देखते हैं रोड कहाँ तक जाती है, वहाँ तक हम चलेंगे इस टाइम। तो आज पहली बार मैं इस गांव में आया हूँ और काफ़ी खूबसूरत गांव है, जहाँ तक रोड जाती है ना हम वहाँ तक जाएंगे। अभी लोग अपने अपने गाँव में बिजी हैं। यहाँ पर मस्जिद एक भी है, ये जामे मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। रोड कहाँ तक जाती है, अब आए हो यहाँ पे कभी पहले? ये खुर्शीद है मेरे साथ और है मेरे साथ कामरान, ये पीछे बैठे हैं। फिलहाल यहाँ पे रुकना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैफिक जैम हो गया कुछ टाइम के लिए। तो इनको जगह छोड़ते हैं पहले, फिर निकलते हैं हम। रोड की कंडीशन बहुत ही मस्त है और जिस गांव में रोड अच्छी होना, समझ लीजिए कि वो गाँव अच्छे से डेवलप है, क्योंकि मेन चीज़ तो रोड ही है। जब गांव में रोड अच्छी होगी तो बाकी सब फिर ठीक हो ही जाता है। जहाँ पे एंड होगा रोड का, वहाँ तक तो हम जाएंगे आज, पूरा देख के आते हैं एक बार। एक पुराना सा घर भी देखने को मिला जो गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। हर गांव में अगर कुछ पुराने घर हो ना, तो समझ लीजिए कि उस गांव की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और यहाँ पे एक स्कूल भी है, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल यारवन पहली पोरा बोनियार। यहाँ पे एंड एस रोड का, ये रहा बोर्ड, यहाँ पे ये ख़त्म होता है और रोड भी यहीं तक है। तो यहाँ से हम वापस मुड़ेंगे, अब थोड़ा सा उतरते हैं, गांव को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी होगी यहाँ पर पार्क और इसके आगे रोड नहीं है, जहाँ पे बोर्ड लगा है ये, इसके आगे रोड नहीं है यहाँ से ये। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ से रास्ता है, मे भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले जब गांव के बीच हम एंटर करेंगे। खुशी वहीं पे बैठेगा, इसको वहीं पे छोड़ते हैं, थोड़ा आगे तक थोड़ा सा चल के आते हैं, ट्रैक करके आते हैं थोड़ा बहुत। वैसे यहाँ से ऊपर काफ़ी घर है ना, और यहाँ से ये अखरोट के पेड़ जो कश्मीर की शान में चार चांद लगाते हुए, बंदर भी हैं, ये हो रहा, वो भाग गया, छोटे छोटे हैं, देखो छोटे छोटे बंदर भी हैं यहाँ पे। और बाकी ये पूरा एरिया, यहाँ पे अखरोट के पेड़ हैं पूरे, और यहाँ पे कुछ बच्चों ने ये भी बना के रखा है, पिच बना के रखी है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट वगैरह कोई गेम्स जो भी होती होंगी ना, वो यहाँ पे खेलते होंगे।
तो आज अचानक हमारा प्लान बना यारवन, मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने सोचा चलो देखते हैं और थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि कितना खूबसूरत गांव है। क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? मरने। और यहाँ पे दोस्तों काफी खूबसूरत एरिया, ओपन एरिया हमें देखने को मिला। और वहाँ पे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे है वीजी का पहाड़, ये वाला, इसके पीछे वीजी है। तो यहाँ से भी काफी खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिल रहा है। कुछ हमारे भाई गाड़ियाँ भी धो रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये कुछ खूबसूरत एरिया है जहाँ पे हम इस टाइम रुके। ये खेत, खेतों में पानी लगाया गया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है। आप आए हो कामरान कभी? पहली बार आया है ना? पहली बार। ये मिस्टर तो आए हैं ना, मिस्टर आप तो आए हो काफ़ी बार यहाँ पे ना? कितनी बार आया तू यहाँ पे? तेरे रिलेटिव भी है ना यहाँ पे? रिलेटिव भी है, फ्रेंड, रिश्तेदार तो लेने था कई के रिश्तेदार, दोस्त भी है। रिश्तेदार के मका के रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार काफी टाइप आते होंगे ना तुड़ के रिश्तेदार हैं था के आगला नहीं चांदा। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। काफी अच्छा लगा, ऐसे एरिया में आया करिए जो लोग भी मतलब घर से निकलते हैं कभी घूमने, तो ऐसी क्राउडेड प्लेसेस पे वो जाते हैं ना जहाँ पे ना तो गाड़ी पार्क करने की जगह होती है और भीड़ इतनी होती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। तो जब भी आप लोगों का प्लान बने ना अपनी फैमिली को लेके किसी भी एरिया में जाइए, एक्सप्लोर भी हो जाएगा वो एरिया और आप लोगों को भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो मस्ट विजिटिंग प्लेस ये भी है, रिकमेंड करूँगा अपने व्यूवर्स को, यहाँ पर आइए।